वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और डाउन टू अर्थ इंसान भी हैं, तो उनका व्यक्तिगत जीवन और उनका जो फिल्मी करियर ग्राफ है उन सब के बारे में। तो आइए उनका व्यक्तिगत जीवन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो उनका नाम जो है प्रकाश झा ही है और उनका जो जन्म हुआ है वो 27 फरवरी 1952 चंपारण बिहार भारत में। वो एक हिंदी फिल्म कलाकार हैं। उनकी फिल्में बंदिश, मृत्युदंड, राजनीति, अपहरण, दामुल, गंगाजल, टर्निंग 30 आदि सभी एक भारतीय हिंदी फिल्म के निर्माता, निर्देशक, चलचित्र के कथा लिखने वाला प्रकाश झा ऐसे फिल्मकार हैं जो फिल्मों के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक बदलाव की उम्मीदें लेकर हर बार बॉक्स ऑफिस पर सफल होते हैं। उनके साहस और प्रयासों की इस मायने में प्रशंसा की जानी चाहिए कि सिनेमा की ताकत का वे सही इस्तेमाल करते हैं। अपनी पहली फिल्म दामुल के जरिए गांव की पंचायत और जमींदारी, स्वर्ण तथा दलित संघर्ष के नब्ज को उन्होंने पकड़ा है। इसके बाद सामाजिक सरोकार की बनाई और बाद में मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, अब राजनीति लेकर मैदान में उतरे हैं। उन्होंने अपने बलबूते पे आम चुनाव में उम्मीदवार बनकर हिस्सा लिया। ये बात और है कि वो हर बार की तरह हार गए। भ्रष्ट व्यवस्था तथा राजनीति की जो चाल होती है उसमें वो नहीं आए। जीता जागता सामने उन्होंने एक ऐसा उदाहरण है जो उनसे लोग सीख लेते हैं। और मृत्युदंड से लेकर अपहरण तक उनकी फिल्मों को दर्शकों ने काफ़ी सराहा है। दोस्तों, ये बिहार चंपारण जिले के ग्राम बड़हरवा में है के हैं और इनका जन्म जो है 27 फरवरी 1952 में हुआ था। दोस्तों, अगर जीवन शिक्षा की बात की जाए तो प्रकाश झा का पालन पोषण बड़हरवा बेतिया पश्चिम चंपारण बिहार में उनके परिवार के पुस्तैनी गांव बड़हरवा में हुआ। उनके पिता का नाम श्री तेजनाथ झा है, जो एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा जिले और केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बोकारो स्टील सिटी झारखंड से की और बाद में उन्होंने भौतिकी में यानी फिजिक्स में BSc ऑनर्स करने के लिए रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने एक साल बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई जाने और एक चित्रकार बनने का फैसला लिया। जब वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स वो फिल्म धर्म की शूटिंग का गवाह बने और अपना फिल्म निर्माण पर अड़ गए। उन्होंने एडिटिंग का कोर्स करने के लिए 1973 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे में ज्वाइन किया। उसके माध्यम से छात्र आंदोलन के कारण संस्थान को कुछ समय के लिए बंद किया गया था, इसलिए वो बॉम्बे आ गए और काम करना शुरू किया और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कभी वापस नहीं गए। दोस्तों, उनकी फिल्म काफ़ी हिट रही, जैसे गंगाजल, फिर इसी के रीमेक आई थी जय गंगाजल 2016 में, आरक्षण, राजनीति, अपहरण, गंगाजल, दिल क्या करे, मृत्युदंड, बंदिश और सत्याग्रह और कई सारे इनको पुरस्कार भी मिला। तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा के बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और उनकी मूवी देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है। सुपर डुपर हिट साबित होते हैं, तो बिहार के गौरव हैं, हमारे देश के गौरव हैं। भगवान उनको स्वस्थ रखे और अच्छी अच्छी फिल्म बनाए और हम लोगों के सामने आए। तो उम्मीद करती हूँ मैंने जो आज जानकारी दी आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।